हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू UPSC. उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे AI कोर्सेज का जो हमने कोर्स किया था उसका सर्टिफिकेट किस तरीके से हमने उसका सर्टिफिकेट लेना है। ठीक है, तो हम लोग उसका ID लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और लॉग इन करेंगे। ठीक है, जो हमारा AI का पासवर्ड था वो हम डालेंगे और AI की ID आ जाएगी। खोलने के बाद डिग्री परमिशन सक्सेसफुली कम्प्लीट हुआ। डिग्री हम यहाँ पे रेट बुक में रेट बुक में जाने के बाद आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है, यहाँ मेरा ID लिखी हुई, सर्टिफिकेट कोर्स लिखा हुआ है। क्रेडिट अर्न यानी ये सर्टिफिकेट कोर्स था, उसका क्रेडिट अर्न क्या होता है कहलाएगा, हमारे पास 1 कहलाएगा। ठीक है, CGPA 4 में से 4 यानी पूरे ओवरऑल मार्क्स आए और यहाँ लिखा हुआ है। फॉल 2020 में स्टार्ट हुआ था, ये कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू IT फॉर IT एंड नॉन IT प्रोफेशनल। ठीक है, कोर्स का नाम मेरे टाइटल में और ग्रेड 0.4 और ग्रेड A+ आया और कितनी मैंने परसेंटेज की 90 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका रिजल्ट आया, देखिए इसका सर्टिफिकेट कहाँ से लेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ टर्म सर्टिफिकेट प्रिंट दिया, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्टिफिकेट आ गया। ठीक है, सर्टिफिकेट ठीक है, स्पॉन्सर्ड बाय कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, रोल नंबर दे दिया हुआ। ठीक है, शुरू 12 को EMJ सर्टिफिकेट प्रिंट डेट शो करेगा आपको, ठीक है यहाँ प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सर्टिफिकेट को यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिक करेंगे डाउनलोड करने को यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा, इसको सेव कर लूँगा, तो इस तरीके से आप जो है सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो अभी इसका रिसेंटली न्यू बच आया था, तो उसमें भी नाम आया है, तो जिन्होंने कोर्सेज नहीं किए वो दोबारा कर सकते हैं और आगे भी मजीद प्रोग्राम आएंगे। ठीक है, जैसे भी अपडेट आएगी तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा जब दोबारा करके चाहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, कमेंट करें, देखते हैं और शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।